वेलकम बैक दोस्तों, आज के नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक है और एंजॉय कर रहे हैं। चलिए चलते हैं आज की नई राइड में। देखिए अपनी गाड़ी तैयार है, यहाँ पे एकदम मस्त से सब सामान लोडेड है। आज की डेस्टिनेशन दोस्तों एकदम मस्त है, आपको बताने जा रहा हूँ बीच रास्ते में या तो वहाँ पे पहुँचने के बाद। आप पहले ही देख चुके हैं कि डेस्टिनेशन का नाम दोस्तों वहाँ पे पहुँचने के बाद, तो चलिए चलिए। तो दोस्तों देखिए बारिश कैसे हो रही है, देख रहे हैं आप कितने ज़ोर से बारिश हो रही है। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, थोड़ी देर निकला रोड पे तब तक इतनी ज़ोर से बारिश होगी, लेकिन हम रुकने वाले थोड़ी है, हम है राइडर, तो चलिए चलते हैं, बारिश का मज़ा लेते हैं। ठीक है, ओके। ये रही अपनी बाइक यहाँ पे पार्क, सारे रेन गियर्स पहन लिए मैंने, अभी लॉक लगाते हैं और चलते हैं। ठीक है, अपना आईफोन है इसलिए बारिश में ख़राब नहीं होगा वो, है ना, तो ये है आइडिया। ठीक है, चाबी चालू कर दी और ये चले हम, ये है ऑफ रोडिंग के फुटपिक का फ़ायदा। बाप रे बाप, बारिश में देखने हालत ख़राब हो जाती है, नहीं एंगल बराबर क्या देख लेता हूँ एक बार के, ठीक ही है ना, एंगल ठीक जा रहा है, तो चलिए चलते हैं। हालांकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ, ओहो क्या हो गया इसको, मधे घाट। ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपको 2 आवर्स दिखा रहा है अब तो। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अभी मैंने हैंडलर्स नहीं पहने, इसके अंदर निकाल के रखे हैं, तो अरे ये पानी की वजह से अपने आप रिसेट हुए जा रहा है। ये है असली थ्रिल, अब आएगा असली मज़ा, है ना। तो बारिश में यही दिक्कतें रहती है और यही मज़ा आता है, तो यही चैलेंजेस रहते हैं और यही एडवेंचर रहता है, तो मज़े आ रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे रुक गया हूँ मैं, यहाँ पे साइड में देखिए खड़कवासला लेक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे रुक के आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कहीं तो गाड़ी लगाता हूँ पहले तो, और आपको दिखाता हूँ, बहुत मज़ेदार है। ये नटल में डाल दी, अभी स्टैंड लगाना भी मुश्किल है, लेवल बराबर नहीं है ना, CB200X का एक स्टैंड का प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, तो ये मैं चला उस साइड में। ठीक है दोस्तों, ये देखिए क्या पानी भर गया है भाई, क्या ही पानी भर गया है, देख रहे हैं आप। मैं इस पे चढ़ना नहीं चाहता, लेकिन एक बार आपको चढ़ के दिखाई देता हूँ। ये देखिए पूरा समंदर जैसा पानी हो गया है, देख रहे हैं आप। मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए है ना, पूरा लाल मिट्टी का पानी हो गया है, और यहाँ से लेके वहाँ तक है लेक, अगर मैप में दिखाऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा, पूरा पानी भर गया है। ये कौन सी लेक है, खड़कवासला लेक। तो चलिए जूम आउट करता हूँ और वापस चलते हैं अपना मधे वाटरफॉल की तरफ, चलिए चलते हैं। ये अपनी गाड़ी वहाँ पर लगी है, अच्छी दिख रही है, ये देखिए है ना, एडजस्ट रहिए एकदम, चलिए चलते फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैंने अपने शूज़ तक रेनकोट में डाल रखी है, देखें शूज़ का रेन कवर ये रहा, है ना, चकाचक ओके। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता था साइड स्टैंड का प्रॉब्लम है, देखो अभी मैं साइड स्टैंड पे लगाई है गाड़ी, तो अभी गाड़ी एकदम खड़ी है जैसे कि सेंट्रल स्टैंड पे लगाई है। अगर ज़मीन की लेवल थोड़ी ऊपर होगी ना तो साइड स्टैंड लगा ही नहीं सकते आप, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो चलिए अभी ग्लोव्स पहनते और निकलते हैं। तो दोस्तों आपको दिख रही है लेक, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, ये देखिए ये दिख रही है आपको लेक, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक है लेक, आपको शायद से दिख रही है ना, ये देखो कितनी बड़ी लेक है, वही ये वाली लेक है खड़कवासला लेक। ठीक है, तो रिसेंटर करते हैं और चलते हैं, बहुत अच्छा समय है दोस्तों, बहुत मज़ा आ रहा है, बारिश हो रही है, पूरी सड़कें गीली है, वाटर क्रॉसिंग है, ट्रैफिक थोड़ी बहुत है, लेकिन जा रहे हैं आगे आगे, धीरे धीरे मंजिल की तरफ पहुंच रहे हैं। रास्ता एकदम स्लिपरी है, एकदम ज़्यादा फास्ट नहीं चला, और बारिश भी हो रही है, आँखों पर पूरा पानी जा रहा है, वाइज़र ऊपर कर दिया है, थोड़ी सी बारिश कम हो गई थी लेकिन
बूंदाबांदी चली रही है। ये देखिए क्या हरियाली है, बाप रे वेदर नीचे करना पड़ेगा अभी तो, एकदम जोरदार बारिश शुरू हो गई है अब तो। वाह, ये हेलमेट पे है ना वाइजर का सिस्टम शुरू करना चाहिए, बारिश की वजह से हालत ख़राब है। देखिए दोस्तों अभी मैं इतनी दूर आ गया ना, यहाँ तक कि वो खड़क वसला लेक चल रही है, ये देखिए इधर राइट में दिख रही है आपको, यहाँ तक वो खड़क वसला लेक चल रही है। इसका मतलब कितनी बड़ी लेक होगी वो, और पूरी भरी हुई है, थोड़ी सी लापरवाही गड़बड़ कर सकती है। तो खुद आपको व्यू अच्छा आ रहा होगा दोस्तों, एकदम एडवेंचर राइड होगी आज की। तो आपको पता चल रहा होगा कि मैं किन कंडीशन से जा रहा हूँ। एक बार दोस्तों ये नज़ारा देख लो, क्या ही मज़ेदार है, वाह मज़ा आ गया भाई, वाह। ये मुझे बहुत पसंद है दोस्तों, बस इसमें मज़ा आता है मेरे को। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे, यहाँ तक आ गई है वो खड़क वसला लेक, बस वहाँ से यहाँ तक मैं एटलीस्ट 10 किलोमीटर आ गया होगा। कमाल है, कितना पानी है इस लेक में, यहाँ पे ख़त्म हो रही है लेक, और ये मौसम और ये वादियाँ, वाह। और उसमें चलती अपनी सैमी, और ये शुरू हो गया लद्दाख अपना, स्पीड कौन कम करेगा, कोई नहीं करता, मैं तो नहीं करता स्पीड कम, जो होगा देखा जाएगा। पानी सिर्फ मटमैला हो गया है बारिश की वजह से, बीच में ये देखिए अभी अभी गए ड्राइवर्स इतने सारे, अगर उस रोड पे अगर मैं ब्रेक मारता हूँ ना तो स्लिप हो जाएगी, इसलिए मैं स्पीड ज़्यादा नहीं ले रहा है, रास्ता अच्छा है तो स्पीड लेता हूँ, कम कर रहा हूँ बस। सामने से कार भी आ रही है स्पीड में, ऊपर से बारिश हो रही है, ये देखिए पार्किंग करके कभी कभी एकदम से राइट में आ जाते हैं ना, ये देखिए खेती क्या मस्त है, मज़ा आ गया दोस्तों आज तो। बस लेंस में थोड़ा थोड़ा पानी गिर गया होगा बीच बीच में, तो उतना नज़रअंदाज कर देना दोस्तों, क्योंकि मैं इसी कंडीशन में चला रहा हूँ, बहुत बारिश है और क्या ही कर सकता हूँ उसमें, बीच बीच में लेंस पोछ रहा हूँ और चला रहा हूँ। रोड एकदम स्लिपरी है दोस्तों, एकदम गीला है, लेकिन यही एडवेंचर है मेरे लिए। पानी ख़त्म ही नहीं हो रहा है यार, ये खास ये लेक का पानी यहाँ तक आ गया है भाई, क्या है ये, इतनी बड़ी लेक है, अभी तो 15 किलोमीटर हो गए होंगे। पब्लिक देख रही है मेरी तरफ, इतने बारिश में इतनी स्पीड क्यों ले रहा है करके, लेकिन क्या ही करूँ दोस्तों, आदत से मजबूर हूँ, यहाँ पे रिस्क नहीं होती है ना, वहाँ पे मैं ले लेता हूँ स्पीड, क्योंकि फिर स्लो जाने में मतलब नहीं है ना। हाँ थोड़े बच्चे हैं इधर उधर, ये है ड्राइवर से, तो कम कर देता हूँ स्पीड। मुँह पर पूरा पानी आ रहा है, लेकिन मज़ा आ रहा है भाई, ये कार को जाने दे यार, छीते उड़ाते जा रही है ये, चीते बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे को। आई लव इट मैन, आई लव इट, मतलब क्या नेचर है भाई। ये देखिए भाई गड़बड़ हो गया, रिटर्न आ रहा हूँ, गूगल मैप ने गड़बड़ कर दिया, अभी दिखा रहा है यहाँ से 1 घंटा और, पता नहीं क्या है, तो यहाँ से राइट लेने को बोल रहे हैं यार, एकदम से चेंज कर रहा है डायरेक्शन, पता नहीं ये बारिश की बूंदे गिर रही है इसलिए वैसे हो रहा है या सही में कुछ प्रॉब्लम है। एडवेंचर का एडवेंचर हो गया दोस्तों,
दोस्तों ये एडवेंचर किया है कभी? ये देखिए रास्ता, पूरा जंगल में हूँ मैं। गूगल ने रास्ता गलत दिखा दिया, लेकिन उसकी वजह से एक फ़ायदा हो गया कि ये एडवेंचरस रास्ता मिल गया मेरे को। पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है। वाइजर बंद करना पड़ेगा, बहुत पानी आ रहा है मुँह पे। हाँ अभी ठीक है। आई एम नॉट श्योर मेरा पेट्रोल भी पूरा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ये तो एकदम अंदर अंदर जा रहा है और पेट्रोल ख़त्म हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखते हैं कुछ करते हैं। ध्यान रखूँगा पेट्रोल पे, और कुछ बहुत कम हो रहा है तो फिर डिसीजन लूँगा। शिट माय गॉड, देखा दोस्तों ये ऐसे होता है, ऐसे रास्तों पे अचानक से ट्रक आ गई। क्या रास्ता है यार सही में, पूरा एडवेंचर ही हो गया। यहाँ से कोई ट्रक आ गया तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। रात में तो इस जगह पे आना मतलब सही में एडवेंचर का बाप हो जाएगा। बाप रे क्या सीन है दोस्तों, देखिए इसको बोलते हैं पांचित जंक्शन। वाह क्या ही सीन है दोस्तों, आप देख लीजिए। अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, ठीक है। अभी से ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता आपको कि मैं खुद ही स्ट्रगल कर रहा हूँ यहाँ पे एडवेंचर में। यहाँ पे साइडिंग कर देता हूँ, रास्ता थोड़ा अच्छा नहीं है। दोस्तों एडवेंचर मज़ा आ गया आपको, लेकिन मेरी वाट लग रही है। ये देखिए दोस्तों पॉइंट, ये खूबसूरत पॉइंट है, लेकिन आप उन रुकेगा नहीं। देख रहे हैं? ये देखिए एक छोटा सा गांव लग गया है, यहाँ से यू टर्न मारना है। ये देखिए ऐसे कर रहा है ये गूगल, सब गड़बड़। अभी तो बोल रहा था ये रास्ता है, अभी बोल रहा है ये रास्ता नहीं है। अभी पूछना पड़ेगा। क्या है ये देखिए दोस्तों क्या कर रहा है गूगल मेरे साथ, हद दे यार। ये तो पेट्रोल के वांदे है, ऊपर से ये गूगल घुमा रहा है मेरे को। भले ही एडवेंचर हो गया, लेकिन भाई कुछ तो प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए। अरे पूरे गांव में कोई बाहर नहीं दिख रहा यार मेरे को। एक बंदे किधर जा रहा है भाई, मदे मदे घाट जा रही है। हाँ आगे से ही है क्या? अच्छा ये भी आगे से ही बोल रहे हैं, देखते जाके। हाँ वाटरफॉल वहीं से है क्या? अरे मेरे को भी ऐसा गूगल ने गड़बड़ किया ना। चलो कोई साथी तो मिल गया दोस्तों, अभी उनके पीछे पीछे चलते हैं।
तो मैं पहले जहाँ गया था वो सही रास्ता है, और ये गूगल वाट लगा रहा है हमारी। तो वहाँ से मैं वापस आ गया दोस्तों, ये क्या तरीका है गूगल का। तो गूगल पैसा, पेट्रोल का पैसा वापस करेगा क्या? दिमाग ख़राब यार। ये देखो ये एक्सप्रेस लेके जा रहे हैं, और अपनी CB200X है। इधर से लेफ्ट जाना है क्या? अच्छा देखते हैं। ओह ग्रेवल्स, सही है यार। ये देखो ब्रिज और ये वाटरफॉल, क्या ही एडवेंचर हो गया आज। सबको कन्फ्यूज कर दिया, गोल गोल घूम रहे। वो वहाँ पे जाने के बाद फिर से वो बोल देता है ये। क्या कमाल है यार आज तो। अभी यहाँ से 1 घंटा दिखा रहा है। हाँ ये इधर से राइट मार के देखते हैं। वो किधर गए? कुछ बोला क्या? इधर चलो देखो कितने लोग फंस रहे गूगल की वजह से आज। तो आप देख के रखो दोस्तों, अगर यहाँ पे आना है तो रिस्क है, गूगल गड़बड़ कर रहा है। बहुत ही गंदा रास्ता है। अब मैं तो सैंडलिंग ही कर देता हूँ। चलो सामने वाले सैंडलिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि डबल सीट है। सब कुछ ठीक है दोस्तों, पेट्रोल ख़त्म हो गया तो वाट लग जाएगी, इतना तो है बोल रहा हूँ आपको। इतना रिस्क लेके जा रहा हूँ ना मैं। वैसे एवरेज अच्छा देती है 45-50, लेकिन ये तो पूरा इंक्लिनेशन है ना, तभी से मैं क्या ही स्पीड पे चला रहा हूँ। कितना ही रास्ता भी अच्छा नहीं, और ऊपर ऊपर जा रहा हूँ तो पेट्रोल तो ख़त्म होगा। 40 का भी एवरेज दिया तो अभी 2 लीटर पेट्रोल है सपोज कर लो, तो 80 किलोमीटर तो जाएगी जाएगी गाड़ी, है ना। तो 80 किलोमीटर में तो अपने को पेट्रोल पंप मिलना तो चाहिए। हालांकि मैं एकदम रिमोट एरिया में आ गया हूँ, लेकिन मिल जाता है दोस्तों। ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में पेट्रोल पंप की कम नहीं है। क्या एडवेंचर हो रहा है यार, मज़ा आ गया। ये देखो गाड़ी क्या है, इंक्लाइन हो रही है। ओ तेरी, यहाँ पे स्लिप हो सकता हूँ यार। शिट, ये मट्टी के रोड रहते हैं ना मेरे रोड टायर से, तो कभी भी स्लिप हो सकता हूँ। ऐसी जगह पे मैं ब्रेक नहीं मारता ज़्यादातर, अगर स्पीड बहुत ज़्यादा है तो भी टेंशन कम है तो ब्रेक मार के थोड़ा सा संभाल सकता है। सिंगल चैनल ABS है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। क्या जंगल में से जा रहे हैं, मज़ा ही आ गया आज तो। अब मेरी उसमें एक्शन की भी बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। अगर अभी नहीं मिला ना तो वापस दोस्तों। ये तो गूगल मैप ही बंद हो गया, अब तो बोल रहा है कि मेरे से नहीं हो रहा। देखो फोन ही बंद हो गया। है ये दोस्त लोग तो बाइकर कम्युनिटी है साथ में, तो चलते और देखते। मिल गया, नहीं मिला तो भाई अपनी किस्मत। क्या रोड है यार, पूरा मतलब लद्दाख विद्दाख सब निकल गया मेरा आज। यहाँ पे काम करता हूँ, थर्ड गियर पे लेता हूँ, लेकिन थर्ड गियर पे वही होता है ना दोस्तों। हाँ अच्छा, स्लीप भी कर रही है, ग्रेवल्स भी है, सब कुछ है। एडवेंचर का बाप हो गया आज तो। क्या हो गया, एडवेंचर का अब्बा का धब्बा हो गया भाई। ये देखो कहाँ पे आ गया यार, गाड़ी चला चला के कितने ऊपर आ गया मैं।
ये बाप रे बाप, ये देखो, वाव, देख रहे दोस्तों, ये तो मज़ा ही आ गया दोस्तों। अगर मेरे को आज वो वाटरफॉल मिलता भी नहीं है तो आई एम हैप्पी आफ्टर सीइंग ऑल दिस, आई एम हैप्पी मैन। ये कहाँ चले गए भाई, बात करते करते गायब हो गया किधर? हाँ ये सामने अनकट सीन है दोस्तों, अनकट सीन है, देखो बाप रे। ये ब्रेक लगाऊं नहीं लगाऊं, ये हो गया ना एडवेंचर, मज़ा आ गया आज तो। ऑफ रोडिंग का भी मज़ा आ गया, एडवेंचर करके भी मज़ा आ गया। ये देखो बीच में गाड़, क्या झाड़ गिरा है यार, सही में सैडलिंग कर तो रहा हूँ। ये देखो बीच बीच में कैसे झाड़ गिरे, ये बाबा भाई कहाँ लेके जा रहा है। वो वाटरफॉल तो नीचे होना, ऊपर होना चाहिए ना, नीचे नीचे कहाँ लेके जा रहा है अभी। सावधान पूरे दर्डी कोसलता, ओके मतलब यहाँ पे पत्थर गिरते हैं तो बी केयरफुल ऐसे बोले। ये देखो बीच में झाड़ आ गए, वाटरफॉल, ये यहाँ पे क्लाउड्स भी आ गए, ये देखो क्लाउड, ये देखो झरना, देखो झरना, वाह क्या बात है भाई। मधेघाट पुड़े गए वाटरफॉल भाई, वो तो सिर्फ मुंडी ही ला रहा है, पता नहीं उसको कुछ समझ में भी आ गया नहीं आया, लेकिन बोला था हाँ हाँ करके, तो ठीक है चलते हैं। अभी रास्ता तो थोड़ा अच्छा हो गया, कितने ऊपर आ गए भाई अपन, ये देखो नीचे दिख रहा है, ये देखो वाह, एक्सप्रेस थक रही है, डबल सीट है, बारिश भी जोरदार शुरू हो रही है अभी तो। ये देखिए क्या ही नज़ारा है दोस्तों, है ना, ये देखिए है ना एडवेंचर। और यहाँ पे पत्थर गिरते हैं दोस्तों, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, ऐसा गवर्नमेंट बोलती है, ऐसा गवर्नमेंट बोलती है। ये देखिए रियल जंगल है ये तो, वाह भाई वाह, मज़ा आ गया दोस्तों, लाइक करना बनता है मालूम है। ये देखो ये इधर देखो, ओ सामने से गाड़ी नहीं आनी चाहिए बस, ये करो कैसा है, क्या ऊपर आ गया दोस्तों, देखो एक बार क्या ऊपर, और तेरी पीछे चला जाता था अभी ऊपर आने के चक्कर में। मैं थोड़ी देर कैमरा बंद कर देता हूँ अभी, ठीक है, पानी बहुत अंदर आ रहा है हेलमेट के भाई। मधे मधे घाट का ये रहता है ना, हाँ यहाँ से सामने ऐसा इधर, ओके ठीक, यहाँ नेट है ना, लेकिन नेट है ना, पहला पैसा देता हूँ और फिर भर देना, नहीं तो बाद में जाएगा नहीं पैसा, 500 का भरना, एक मिनट पहले पैसे भरता हूँ भाई। लोग अभी पेट्रोल डाला, अभी मैं किधर भी जा सकता हूँ फिर से, ठीक है, अभी यहाँ पे यहाँ से पूछते पूछते जाना पड़ेगा एक्चुअली। मधे घाट मधे वाटरफॉल किधर, देखते क्या क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे रुक के मैं अभी ऑस्मो की बैटरी भी चेंज करता हूँ, क्योंकि नहीं ये चलाऊँगा मैं जितनी चलती है, फिर बाद में चेंज, क्योंकि उसका बैटरी का साइकिल उस पर रहता है ना, कितनी बार चार्ज करो कि उतनी बार, तो जाएंगे देखते हैं। अगर इतना दूर आ ही गए हैं, इतना कांड किया ही है, तो और थोड़ा कांड कर देते हैं, है ना, क्या ही बुराई है। अभी तो पेट्रोल वेट्रोल सब है तो जा सकते हैं अभी अपन, पेट्रोल अभी भी ख़त्म नहीं होता था पता है, लेकिन टेंशन आता है ना दोस्तों खाली पीली का, पता नहीं यहाँ से भी रास्ता किधर है, यहाँ से स्ट्रेट बोल रहे हैं, लेकिन इस एरिया का अभी भरोसा नहीं रहा मेरे को। ये देखो बीच में ही रुक गए भाई, यहाँ पे कुछ खा लेता हूँ भाई, है ना, वो अच्छा रहेगा, पता नहीं फिर से कहीं जंगल पे जाना पड़ेगा तो खाना भी मिलेगा नहीं मिलेगा। भाई क्या है अभी, पोहे वगैरह कुछ है दोस्तों? ये कुछ हाल है मेरा, मिसल मंगाई थी, ये आ गई है, लेकिन आपको पहले दिखा रही, ये हेलमेट इधर रखा हुआ है, ग्लव्स इधर है, चाहिए, और ये है अपनी बाइक इधर। बहुत ही हालत ख़राब हो गई आज तो, है ना, बाइक तो ठीक ठाक ही है लेकिन अपनी हालत ख़राब है। ये होटल स्वप्निल है, अगर कभी इस एरिया में आओगे तो खा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये देखो अंदर ये सब हाल है मेरा, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों, खाना पीना हो गया, अभी चलते हैं मधे घाट वाटरफॉल की तलाश में, हंट हंट।
भाई लोग क्या खूबसूरत गांव है ये, क्या है ये गांव में, क्या अंदर गांव के अंदर ही ये है। सामने मैं गाड़ी चला रहा था, ये सामने आ गया। वाह क्या बात है दोस्तों। देखिए अगेन जूम करता हूँ। वाह क्या खूबसूरत गांव है ये, मज़ा आ गया। गांव का नाम है वेल्ले। ओके वेल्ले, तो चलिए चलते मज़ेदार। चलो लगे अपन काम पे फिर से। मधे घाट ये देखिए यहाँ पे। क्या बात है, देख रहे ये, वाह ये नेचर है दोस्तों। मतलब इसको सजाना नहीं पड़ता, ये अपने आप सजा हुआ है नेचुरल। इसके ऊपर है कि वाटरफॉल और ये यहाँ से आ रहा है, क्या बात है। और ये रास्ता है दोस्तों। वाव मतलब पैसा वसूल खेल है ये। मतलब मैं जा रहा रहता हूँ और ये देखिए ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे नज़ारे एकदम सामने आ रहे हैं बस, क्या बात है। वो संभाल के जाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि कार कैसे भी चलाते हैं यहाँ पे लोग। तो मेरे को ये भी पता नहीं कि मैं जो जा रहा हूँ वो सही रास्ते पे जा रहा हूँ या ऐसे ही है, ऐसे ही जा रहा हूँ मैं कहीं पे। ये लेक फिर से आ गई यहाँ पे, पता नहीं किधर किधर फैल रखी है ये लेक। ये देखो इतने 4 घंटे में, देखो हवा कितनी है, 4 घंटे में घूम रहा हूँ सब तरफ, ये लेक आ रही है। ये देखो बीच बीच में ग्रेवल्स है तो बहुत संभाल के जाना। ये देखो यहाँ पे एंड कॉर्नर पे ग्रेवल्स रहते हैं, इसके लिए तुम किसी भी हालत में फास्ट नहीं जा सकते। और यहाँ पे ना एकदम से गाड़ियाँ आ जाती है। ये क्या जा रही है, क्या था पता नहीं। अरे यार ये लेक कहाँ से कहाँ तक है यार, ये देखो। वहाँ तो पुलिस का नंबर दिया है, अगर कुछ लपड़ा हो गया तो आप उनको कॉल करके मदद ले सकते हैं। क्या मौसम है दोस्तों, एकदम सिनेमेटिक है। सामने देख रहे हैं आप, लगता है सिर्फ इस ट्रिप की वजह से मेरे को ब्रेक पैड बदलने पड़ेंगे, क्योंकि सब तरफ मुझे ब्रेक लगाना पड़ रहा है। और ये रोड पे ना एकदम से स्पीड आ जाता है और टर्न आ जाता है, गाड़ी एकदम ऑफ द रोड जाने के पूरे चांसेस रहते हैं। सिर्फ नेचर ही नेचर है यहाँ पे। सामने देख रहे हैं वहाँ पे एक झरना था गया, क्या ही मस्त नज़ारा है दोस्तों। अभी मेरे को कहीं पर रुक के ना ऑस्मो एक्शन की बैटरी चेंज करनी पड़ेगी, तो अभी मैं पूरी ड्रेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं कब तक जाती है। ये देखिए दोस्तों ये वाटरफॉल था थोड़ा सा छोटा सा, तो यहाँ पे दोस्त लोग भी मिले अपने बाइकर्स लोग, तो उनसे कहा कि एक फ़ोटो खिंचवा दो, तो अपना एक थंबनेल निकल गया है यहाँ पे। यहाँ से उन्होंने बोला एक 10 किलोमीटर पे आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, मधे वाटरफॉल। ठीक है तो चलते हैं मधे वाटरफॉल के हंट में। पानी बारिश फिर से होने लगी है, बंद करता हूँ वाइजर। लेकिन ऑस्मो एक्शन की बैटरी तो एकदम मस्त चल रही है दोस्तों, मतलब कम से कम 4-5 घंटे हो गए मैं इसको चला रहा हूँ। कहीं कई बार तो मैंने बंद ही नहीं किया, कंटिन्यूस शॉट्स लिए, लेकिन ये बैटरी है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। क्या ही खूबसूरती है यार, मतलब आज तो मज़ा आ गया। और आपको बताना है आपको मज़ा आ गया कि नहीं, अगर आ गया तो आपको कमेंट करना है और बोलना है मज़ा आ गया। क्या बताना है आपको कमेंट में,
मज़ा आ गया। ठीक है, अगर आपको मज़ा आएगा तो मुझे भी मज़ा आएगा। और इस बार रखते हैं टारगेट 1000 कमेंट्स तो होने ही चाहिए भाई। 1000 कमेंट्स आर मैंडेटरी नाउ, यू हैव टू डू दैट। वी आर फैमिली राइट। सो क्या रोड है यार, पता ही नहीं चलते कब ख़त्म हो जाते हैं। आपसे बात करते करते ओह रिवर क्रॉसिंग, यहाँ पे थोड़ा सा रोड खराब हो गया है। ये रोड सीधा सीधा ऊपर तक जा रहा है दोस्तों, देखिए देख रहे, और बाजू से झरना जा रहा है, ये देखिए खतरनाक जंगल है भाई ये तो। बहुत बड़ा खड्डा था, पता ही नहीं चला, लेकिन बहुत बड़ा खड्डा था, उसमें मिट्टी थी ना, पानी था, उसकी वजह से पता ही नहीं चला। खतरनाक भाई, खतरनाक। आज तो काम ही खतरनाक हो रहा है। रोड देख रहे हैं आप, और देखना चाहते हो दोस्तों, देखना चाहते हो, 1 2 3 ये देखिए क्या खूबसूरती है, वाह ये है, मतलब नेचुरल है, नेचुरल, इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है दोस्तों। वाह मज़ा आ गया दोस्तों, आज तो ज़िंदगी का मज़ा आ गया। चलिए चलते हैं बड़े वाटरफॉल की तरफ। रास्ता ख़राब है इतना, अभी किधर जाना है, अभी किधर जाना है भाई, अभी यहाँ पे किसी को पूछ भी नहीं सकते, इनको पूछते हैं भाई। मधे वाटरफॉल, मधे मधे वाटरफॉल, मधे स्टेट इकड़े गए। अच्छा बरा बरा भाई, यहाँ पे तो ऐसा है ना कि कुछ मालूम ही नहीं कहाँ जाना है क्या करना है, बस जाना है बस, किसी किसी को पूछ के ऊपर वाले के भरोसे पे बस। ये देखो यहाँ पे भी वाटरफॉल भाई, आज का वाटरफॉल का दिन है भाई। अभी तो छोटे मोटे ऐसे वाटरफॉल देखता ही नहीं मैं, अभी बड़े बड़े देखना, अभी बड़े बड़े देख रहा हूँ मैं, एक्सपेक्टेशन बढ़ गए मेरे। देखते हैं थर्ड गियर पे कितना इंक्लाइन जाती है। चल चल मेरे भाई, जाएगी जाएगी जाएगी, ये देखो गई, रुकेगी नहीं है, मेरे को पता है। बड़ा सा खड्डा था, उसने कहा कि बीच में मधे गांव लगेगा और गांव से फिर राइट को जाना है, तब मिलेगा आपको वाटर फॉल। क्या मिलेगा? वाटर फॉल। लेकिन पता नहीं ये मधे वाटर फॉल, ये मधे वाटर फॉल के चक्कर में और कितनी कैलोरी चलानी है मेरे को। ये देखो ये तो बड़ा ही खतरनाक मतलब वाटर क्रॉसिंग है भाई। ये देखिए क्या है ये सामने, एडवेंचर है ना, एडवेंचर। और बारिश तो ऐसे आ रही है ना दोस्तों, वाह। लेकिन ऑस्मो एक्शन ने बहुत साथ दिया दोस्तों मेरे को, ऑस्मो एक्शन ने साथ दिया। अभी वाइज़र बंद करना पड़ेगा, ये वाइज़र बंद, बारिश बहुत हो रही है, मेरे को जल्दी निकलना पड़ेगा वहाँ से, क्योंकि ना शाम में बिना लाइट्स के यहाँ से जाना मतलब बहुत ख़तरनाक काम होगा दोस्तों। तो जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ मैं सब देख लूँगा और आपको भी दिखा दूँगा, और वहाँ से इमिजिएटली सटकने का देखूँगा, क्या करूँगा, सटकूँगा वहाँ से, क्योंकि इमीडिएटली सटकने में ही समझदारी है, नहीं तो शाम हो गई तो भाई हो गया कल्याण। वैसे मेरे पास एक्सिलरी लाइट्स है
लेकिन भाई तो भी जंगल है पूरा भाई, जंगल है, आधी रात वाला किस्सा नहीं करना है अपने को, डर लगने से पहले ही निकलना है। ये देखिए, शाबाश भाई लोग, मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन बात करते करते बीच में मड़े घाव आ गया तो बता देना मेरे को, नहीं तो मैं बात करते करते निकल जाऊँगा और फिर भाई मैं बहुत ऊपर आ चुका हूँ अभी। ये देखो क्या ही ऊपर आ गया हूँ भाई, और हवा तो ऐसी चल रही है ना पूछो मत। ये देखो हवा कैसी चल रही है, आप इमेजिन कर सकते हो। अभी मैं वाइज़र ऊपर करता हूँ थोड़ी देर के लिए। क्या ऑक्सीजन है। ये देखो यहाँ पे बाइकर्स रुके हैं भाई लोग। मदे मदे वाटरफॉल किधर आएगा अभी? मदे वाटरफॉल किधर आएगा? हाँ। अजून किती लांब असेल? 5-10 किलोमीटर? अच्छा ठीक, ओके थैंक यू। हाँ ओके ओके थैंक यू। देख रहे हो दोस्तों, जन्नत तो नहीं कहूँगा लेकिन जन्नत के 6-7 ड्रॉप तो इसमें है ही है। ये देखिए, वाव, ओ माय गॉड। मैं इतना बड़ा राइडर नहीं हूँ दोस्तों लेकिन आज तक की जितने भी राइड्स किए ना सब में ज़्यादा एडवेंचर इसी राइड में हुआ है। और बाप रे, और सब में ज़्यादा अच्छी सीनरी इसी राइड में मिली है, सभी राइवल्स थे बीच में और मैंने मतलब जैसे जैसे कंट्रोल किया। पता है भाई ये तो कुछ अजीब ही किस्सा हो गया मेरे साथ आज, ये है ना। अभी कहाँ जाना है भाई, फिर से मड़े मड़े भाई। आजकल तो लोग खुद ही समझ जाते हैं कि लोग पूछने वाले हैं यहाँ पे। क्या नज़ारे है दोस्तों, मतलब हद है यार। अगर मैं यहाँ पे नहीं आता था ना तो मैं ज़िंदगी में कुछ मिस आउट करता था फॉर श्योर। भाई ब्रेक लग जा, हाँ लगाएगा तो लगेगा ना ब्रेक, ठीक है भाई। ये मतलब कमाल है यार, मतलब मज़ा आ गया दोस्तों। क्या आ गया? मज़ा। ये तो लाइफ है दोस्तों, मतलब मेरे को अभी पूरे मंथ भर की एनर्जी आ गई है तो मैं और भी ब्लॉग्स बनाऊंगा अब तो, और भी जाऊंगा मैं घूमने घामने। इतनी एनर्जी आ गई है ना कि पूछो मत। अभी वाटरफॉल भी कैसे दिखेगा पता नहीं, मतलब अभी कितना बजे, 2:29 PM हुआ है और देखिए ऐसे लग रहा है शाम के 6 बज गए। देख रहे हैं आप कितना बजा, 2:29। पॉज करके जूम करके देखिए आप, और मतलब लग रहा है कि अभी तो मतलब 6:30 बज गए, अभी 7 बजे अंधेरा होने वाला है ऐसा लग रहा है। और हवा तो दोस्तों इतनी खूबसूरत और इतनी क्लीन हवा है ना, मतलब पोल्यूशन का नामो निशान नहीं है इस हवा में। अरे फिर से बाहर जा रहा था। अभी गांव आ गया दोस्तों, अभी यहाँ पे पूछते हैं कि भाई गांव है कि क्या है, ये गार्डन है, गांव नहीं है। गांव में पूछना क्या है अपने को, वाटरफॉल किधर है, यही पूछना है, ठीक है। तो आप मुझे याद दिला दीजिए, एक बार गांव आ गया तो बोल दीजिए मेरे को, नहीं तो मैं आगे चला जाऊंगा दोस्तों। ब्रेक 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 ब्रेक, हाँ ये पूरा इंक्लिनेशन है अभी, और गाड़ी जूम करके जा रही है, ब्रेक से कंट्रोल करना पड़ रहा है। बस ग्रेवल्स नहीं होने चाहिए और सामने से कारवार नहीं आनी चाहिए, तो ये ग्रेवल्स रहते ना उसका टेंशन रहता है। मतलब मैं कितने बार तो दोस्तों अपने इंडिया से बाहर जा चुका लेकिन मैंने इस इंडिया को ही पहली बार देखा ऐसे लग रहा है। माय गॉड, मतलब इंडिया में भी कितना घूमने जैसा है, क्या करने जैसा है। मतलब काम से गया था मैं इंडिया के बाहर, लेकिन बोल रहा हूँ घूमने नहीं गया था, काम से गया था।
बहुत बार एकदम सिनेमैटिक, कॉस्मेटिक सिनेमैटिक। क्या लैंडस्केप है यहाँ पे देखिए। हाँ यहाँ से मेरे को लगता है राइट लेना है। मड़े वाटरफॉल्स है ना, विचार भैया मड़े वाटरफॉल सर है क्या? अरे सबको पूछ पूछ के जा रहा हूँ मैं भाऊ, मड़े वाटरफॉल सर भाई। सब लोग सामने सामने बोल रहे हैं, लेकिन सामने कितना जाओ, सामने जाते आते है ना। अबे भाई कितनी नजदीक से जा रहा है, सामने जाते जाते कहीं मैं अंटार्कटिका ना पहुंच जाऊं। क्या लैंडस्केप है दोस्तों, वाह ऊटी जैसा लग रहा है मेरे को, ऊटी। देखिए दोस्तों और एक नज़ारा, ये नदी पे आ गई है ना, पता नहीं ये लेंस पे पानी आ गया है पता नहीं, लेकिन आपको दिख रही होगी अच्छे से। तो चलिए चलते हैं, ये देखिए क्या ही नज़ारा है दोस्तों, खेत में पानी जा रहा है सारा, तो बाजू से रास्ता, ये देखिए बाजू में छोटे छोटे झरने जा रहे हैं। 3% बैटरी बची है उसमें एक्शन की, उसके बाद बैटरी चेंज कर दूंगा। होपफुली आपको ये एडवेंचर का मज़ा आ गया होगा, मुझे तो बहुत आ गया दोस्तों, मतलब एडवेंचर ही एडवेंचर हो गया। अभी किधर है भाई, सिंगापुर एक लगाओ, मधे तो नहीं, तीव्र उतार वर्ण्य आहित, कौन कौन बजा रहा है बे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा अभी किधर जाना है। चाचा से जब पूछा था तभी कैमरे की बैटरी ख़त्म हो गई, तो मैंने बैटरी पटाउट चेंज कर दी। अभी चाचा ने बोला कि यहीं पे नज़दीक है तो निकलते हैं, ठीक है लेट्स गो। भाई सुबह से जो ट्रैवल कर रहा हूँ, मधे घाट करते करते बस करता ही आ रहा हूँ, बस बाइक ब्रेक डाउन नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में, नहीं होगी होंडा है ऐसे होगी। अगर पंक्चर भी हो गई तो मैं हवा भरने का किट मेरे साथ रखता ही हूँ, तो टेंशन नहीं है। बाकी लेंस भी थोड़ा पोंछ दी मैंने, क्योंकि उस पर बहुत सारा पानी गिर गया था ना, और फिर वो पानी गिरने से फॉक्स आ जाता है, तो वो भी क्लीन कर दिया मैंने। क्या खेती करते हैं ना लोग, वाह ये देखिए इधर पूरी खेती है, तो क्या ये खूबसूरत नज़ारा है यार, बिल्कुल मस्त है एकदम। तो कहीं यहीं से जाना है क्या भाई, वाह मज़ा आ रहा है दोस्तों। और एडवेंचर की वजह से ना, जो मतलब वो वाला मज़ा रहता है ना, एडवेंचर वाला मज़ा वो भी आ रहा है। कहीं कहीं डर भी लग रहा है कि भाई किधर जा रहा है तू करके लेकिन ठीक है, ज़िंदगी में कभी भी नहीं आया था ना दोस्तों यहाँ पर, मैं पहली बार अगर आ रहा हूँ। ये गांव है, मैं बता रहा था ना आपसे बातें करते करते अगर गांव आ गया तो बताए ना, तो यही गांव है। धबधबा उठे वो इकड़े ओके। अरे यहाँ पे फीस देनी पड़ती है क्या? धबधबा गाड़ी नहीं जाते ना, कितनी? हाँ एकटा पावती है क्या? कितनी? 20 रुपये। स्कैन चालतू। हाँ अरे सिम में रेंज ही नहीं है, रेंज नहीं है, एक मिनट मैं ये करता हूँ। कुछ छुट्टे दिए कि नहीं इन्होंने? 10 रुपये, हाँ 20 रुपये बच गए चलो 20 रुपये लेते हैं इन लोग मेंटेनेंस के लिए, तो ठीक है कोई बात नहीं, इतना तो करना ही चाहिए हम लोगों ने है ना। कोई डेंजर वगैरह नहीं है ना इकड़े, तो थैंक यू। 20 रुपये लेके छोड़ दिया इन्होंने, और ये रहा वाह फाइनली दोस्तों, गूगल ने इतनी वाट लगाने के बाद फाइनली मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच गया लोगों की मदद से। अब मैं साइडलिंग करके आपको दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा, ये देखिए ये है नज़ारा, वाह रे वाह क्या लॉन है यहाँ पे, तो गोल्फ भी खेल सकते हैं। ये देखो वाह 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 वाह, अरे सामने ओके ठीक है। दोस्तों मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, आना चाहिए ठीक है,
ये मेरा रिकमेंडेशन है, अभी गूगल तो साथ नहीं दे रहा है, लेकिन आप जैसे भी हो पूछ पूछा के ये वीडियो को थोड़ा एनालाइज करके आ जाओ, ठीक है। बहुत ही अच्छी जगह लग रही है दोस्तों मेरे को, अनटच्ड अनटच्ड जगह बोलते हैं ना नेचर के साथ। वाह ऐसे क्लाउड भी जा रहे हैं, वाह मज़ा आ गया मज़ा आ गया मज़ा आ गया। यही तो नहीं है गिरिराज, ये देखो यहाँ पे क्या लैंडस्केप है दोस्तों, क्या लैंडस्केप है देख रहे हैं आप, वाह क्या है ये देखिए, क्लाउड्स जा रहे हैं देख रहे हैं आप, क्लाउड्स दिख रहे होंगे आपको, और ग्रेवल्स है, गाड़ी थोड़ी स्लिप हो रही है लेकिन मैं स्लो स्लो ही जा रहा हूँ। आगे तो कुछ है ही नहीं है विजिबिलिटी, चलो मैं लाइट लगा देता हूँ यहाँ से। अरे यहाँ पे इतनी सारी गाड़ी है तो यहाँ पे अंदर जाके मैं गाड़ी लगा देता हूँ और अपना। अरे यहाँ पे तो कुछ दिखेगा नहीं दोस्तों, फिर तो वाटरफॉल क्या कुछ भी नहीं दिखेगा यहाँ पे, मज़ा आ गया दोस्तों ये तो क्या आ गया मज़ा, वाह क्या प्लेस है ये भाई। मेरे को है ना यहाँ पे ना क्या आ गया है पता है, ये सब देख के मेरे को एकदम मज़ा आ गया है दोस्तों, वाह। ब्रेक लगाता हूँ, गाड़ी बंद करता हूँ, स्टैंड लगाने की कोशिश करता हूँ। यार ये CB200 इसका स्टैंड एक ही तरफ से लगता है, रुको समझ में आ गया ना, CB200 इसका अगर कुछ डीमेरिट है तो इसका साइड स्टैंड है, ठीक है। अभी यहाँ पे लगाता हूँ, कभी थोड़ी भी चढ़ान होगी ना तो लगेगी ही नहीं गाड़ी, आपको पोजीशन ही चेंज करनी पड़ेगी, दैट इज़ वॉट। लेकिन ये सीनरी दोस्तों ओए होए मज़ा आ गया यार सही में, चलो उतर के सेट हो जाता हूँ। तो दोस्तों ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे, गाड़ी तो लगा दी है मैंने, सब लॉक्ड है और इसमें तो कुछ है नहीं, वैसे जो है वही मेरे स्पेक्स हैं जो मैं लेके जाऊंगा साथ में। मैं हेलमेट निकालूंगा ही नहीं दोस्तों, क्योंकि ना हेलमेट निकाल के सब लफड़ा हो जाएगा, तो हेलमेट डाल के ही जाऊँगा और आपको सीनरी दिखाऊंगा, ठीक है। ये रही है अपनी बाइक और ये रहा नज़ारा, और मेरे को आपका लाइक बटन दिखा दो बस अभी, ठीक है। और मेरे को बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन चाहिए, वो दिलवा दो जल्दी से जल्दी, तो मज़ा आएगा दोस्तों। आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो मुझे लाइक और सब्सक्रिप्शन चाहिए आपका, थैंक यू सो मच। चलिए चलते कुछ देख के आते हैं वहाँ से, ठीक है। तो दोस्तों अभी आपको गेस करना है कितना टाइम हुआ, मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ यहाँ का, ऊपर भी दिखा रहा हूँ क्या सीन है और नीचे भी दिखा रहा हूँ। तो अभी 1 से लेके 3 तक गिनूँगा, तो इन दैट टाइम यू हैव टू गेस व्हाट इज़ द टाइम, ठीक है। 1, 2, 3 अभी मैं सही टाइम बता दूँ, दिख जा दिख रहा है आपको, 3:02 हो गए, तो 3:02 आपको फिर से दिखाता हूँ, ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ाऊँगा इस बार, ठीक है। ये देखिए 3:02 हो गए है ना, तो मेरे को बताना है आपका गेस बराबर था या नहीं था। मेरे को तो लग रहा है कि रात, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है दोस्तों, मेरी बाइक किधर है, ओ माय गॉड, मतलब टू मच, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा दोस्तों यहाँ पे। ये अभी हाँ अभी दिख रही है मेरी बाइक यहाँ पे लगाई हुई है, ये देख बाइक किधर है ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं जाऊँ किधर, मेरे को कुछ दिख नहीं, यहाँ पे एक टपरी थी वो भी दिख नहीं रही अभी, तो अगर मैं जाऊँगा तो मेरे को कुछ दिखेगा नहीं। तो एक काम करते हैं यहाँ पे कुर्सी लगाते हैं और टाइम लैप्स लेते हैं, जब तक बादल क्लियर नहीं होते तब तक टाइम लैप्स लेते हैं, ठीक है। ओके
I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You can't stop what's moving, you can't stop what's moving. I'm changing my life, and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Sit up, stand tall, you can get through it all. I need some energy, anxiety's no friend to me. I have a short memory, I don't really remember things. That's how I move on, that's how I stay strong. A new day's on, I'll keep moving right along. And I feel like the pain in the past, it needs to stay in the past. You gotta take off the cast. दोस्तों, अभी ये बात है कि यहाँ तक आया हूँ, कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन वाटरफॉल तक नहीं गए तो अच्छा नहीं रहेगा, है ना। तो आपके लिए करके मैं जा रहा हूँ, सब सामान पैक कर दिया है, ये देखिए हेलमेट भी पैक कर दिया है ना, और पटाख से जाके आते हैं और देख के आते हैं कैसे नज़ारे हैं वाटरफॉल के, कुछ दिखता है या नहीं, ठीक है, चलिए। तो देखिए दोस्तों, इधर दूर चलते चलते आए, यहाँ से आगे चल के कहीं तो आगे वो वाटरफॉल है और दिखेगा नहीं, ये सब एनवायरनमेंट में दिखेगा नहीं दोस्तों। तो इतना ही कर सकता हूँ आज के लिए दोस्तों, अगर वाटरफॉल देखना है तो थोड़ा सा बारिश के बाद आएंगे अपन, ठीक है। तो इसी के साथ अपना प्लान है अभी वापस जाने का और वापस की जर्नी करने का। आधा दिल तो मेरा उधर ही है बाइक की तरफ, है ना, बाइक पे हेलमेट है, हेलमेट पे वो कम्युनिकेटर है R95, है ना, तो वो करना चाहता हूँ। लेकिन कैंपॉल, एक अंकल बोल रहे थे वाटरफॉल 1 किलोमीटर दूर है, अब कितना आगे जाऊँ कुछ दिखेगा तो है नहीं। तो दोस्तों यहीं से वापस चलते हैं और आगे वापस आएंगे, थोड़ा सा रेन का सीज़न कम होने के बाद आएंगे तो वाटरफॉल दिखेगा एटलीस्ट अपने को, है ना। लेकिन क्या ही नज़ारा है दोस्तों, मज़ा आ गया आज तो, सही में मज़ा आ गया। तो चलिए वापस चलते हैं अपने बाइक पे। दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड शेयर, पर्सनल रिक्वेस्ट, ओके, दिस इज़ मस्ट। तो इतना अच्छा वीडियो बनाने के बाद तो बनता है दोस्तों, है ना। तो चलिए मज़ा आ। देखिए दोस्तों, आपके लिए अपनी बाइक की थोड़े शॉर्ट्स ले रहा हूँ, होपफुली आपको अच्छी लगी है ना, एकदम मस्त दिख रही है एकदम, वाह मज़ा आ गया। थैंक यू, थैंक यू। You never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am, I'm making a new. तो चलिए दोस्तों चलते हैं, मज़ा आ गया ना। मज़ा आ रहा है ना दोस्तों, मज़ा आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। बापरे, एकदम ही ढला नहीं है तो, ब्रेक लगा के भी इतना फास्ट जा रहा है ना कि पूछो मत। तो
ये देखिए दोस्तों, नदी दिख रही है, देखिए अच्छी है ना, एकदम मस्त है नदी, नज़ारे तो एकदम मस्त है दोस्तों। इसको थोड़ा टाइट कर लेते हैं और इधर कर लेते हैं और ऐसे कर लेते हैं, चलो चलते हैं। बहुत मेहनत ले रहा हूँ दोस्तों आपके लिए, मैंने आपको अच्छे अच्छे शॉट मिले और एक्चुअल एक्सपीरियंस हो आपको, इसलिए मैं ये सब सेटिंग करता हूँ, अलग अलग एंगल लगाता हूँ ताकि आपको बहुत 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 मज़ा आए ये वीडियो देखते हुए। लेकिन आपका रिस्पांस बहुत मायने रखता है, अगर आप रिस्पांस करते रहेंगे तो अच्छा लगता है। ये एकदम वापसी के रास्ते पे निकल पड़े हैं हम। आते वक्त मैंने आपको दिखाया था कि सामने से रास्ता कैसा दिखता है, अभी थोड़ा ये एंगल से देख लीजिए आप। हालांकि थोड़े रोड ख़राब है लेकिन चलता है ना। एक मिनट इसका है ना नॉइस रिडक्शन भी ऑन कर लेता हूँ मैं, तब तक के लिए आप ये वाले नज़ारे देखिए पीछे। बाप रे बाप, इतने स्टॉप्स हो जाते हैं ना ये व्लॉगिंग के चक्कर में कि पूछो मत। नॉइस रिडक्शन ऑन कर दिया, अभी आवाज़ और अच्छे से आएगी और आपको और मज़ा आ जाएगा। देख रहे हैं दोस्तों क्या नज़ारे हुआ, रियली शायद ये वाले काका थे जिन्होंने मेरे को मदद की थी। आज का दिन तो बहुत ही भारी था, हालांकि टाइम में नहीं हुआ, गूगल बाबा ने दिक्कत दी, लेकिन सब कुछ होता है अच्छे के लिए होता है ना। तो यही है दोस्तों, जंगल से जा रहे हैं एकदम मस्त एकदम। मज़ा आ गया दोस्तों सही में, वाव क्या फ्रेश हवा है। आज सैटरडे है दोस्तों, आज शायद से मैं एडिट करके कल मैं पब्लिश कर दूंगा, तो आप ये वीडियो देख लेना और कल किधर जाना है नहीं जाना है पता नहीं। ये देखिए दोस्तों क्या ही मस्त नज़ारे है ना। इस एक्सपीरियंस को कहते हैं अनमोल एक्सपीरियंस, अनमोल जिसका कोई मोल नहीं है। रोड थोड़ी सी छोटी है तो कार वगैरह आती है ना तो दिक्कत हो जाती है थोड़ी, लेकिन चलता है, थोड़ा सा संभाल के चलाएंगे तो कोई टेंशन नहीं है। स्पीड ब्रेकर, थोड़ा सा स्पीड लिया तो ब्रेक लगाना पड़ता है क्योंकि रास्ता ही कुछ ऐसा है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। और ये देखिए ये टर्न देखिए, एकदम ज़बरदस्त टर्न, थोड़ी भी गलती होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। ग्रेवल्स और कभी कभी इंक्लिनेशन में जाता है, कभी कभी डिक्लिनेशन में जाता है, तो उसकी वजह से मज़े आते हैं, थ्रिल होता है, थ्रिल ऐसे रास्तों पे। वहाँ पे मैंने थोड़ा ग्रास पे चलाने की कोशिश की लेकिन फिसल रही थी गाड़ी, कोई भी हो एक्सपल्स भी होगी तो फिसलेगी वहाँ पे, क्योंकि वो ग्रास ही ऐसी थी ना, ग्रास और नीचे कीचड़ था, लेकिन वो भी एक एक्सपीरियंस था। रास्ता किधर है, हाँ बारिश फिर से शुरू हो गई, आँख में जा रहा है पानी। थोड़ी देर के लिए दोस्तों वाइज़र बंद करता हूँ, बारिश हो रही है ठीक है। अरे बारिश, वाइज़र बंद करने के बाद तो कुछ भी नहीं दिखता, वैसे बहुत कम है बारिश कंपेयर टू आफ्टरनून। बारिश हो या कुछ हो दोस्तों मैं रुकता नहीं, आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस देता हूँ। इधर देखिए अभी आप देखते रहिए देखते रहिए, वैली है ये देखिए है ना, खूबसूरत क्या ही खूबसूरत नज़ारा है, वाह। और टाइम क्या हुआ है, 4:20 हुए हैं, तो ये मॉनसून सीज़न है ना दोस्तों, मॉनसून सीज़न मेरा सब में फेवरेट सीज़न है, आई लाइक मॉनसून अ लॉट। अलग सी कशिश है मॉनसून सीज़न के लिए मेरे दिल में,
और ऐसी राइड्स में बदन दर्द, सर दर्द, ये दर्द कुछ महसूस नहीं होता दोस्तों। सिर्फ एक ही चीज़ रहती है कि रास्ते पे विदाउट इश्यू चलते जाना है। और अभी जो अपनी सीबी, अपनी सैमी बोल रहा हूँ, सैमी मतलब मेरी बाइक, मेरी बाइक का नाम बाय द वे सैमी है, आपको मालूम नहीं होगा तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों सब में टॉप पे है हम, अभी देख रहे हैं, वाओ क्या ही नज़ारा है ना, पसंद आ गया दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे लोग मज़े कर रहे हैं, इस मौसम के मज़े उठा रहे हैं, है ना। ये देखिए वाह, तो मैं ये बोल रहा था अपनी जो सैमी है ना अभी ऐसा साउंड कर रही है ना, वाओ एकदम दिल को सुकून आ रहा है, एकदम स्मूथ साउंड, क्योंकि मौसम इतना अच्छा है, इंजन एकदम ठंडा है, मस्त चल रही है, एकदम स्मूथ चल रही है। आपको आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है मुझे पता नहीं, लेकिन सुनने की कोशिश कीजिएगा। मैं थोड़ा साइलेंट मोड पे जाता हूँ, आप सुनने की कोशिश कीजिएगा कैसे आ रही है आवाज़, अच्छी लगी आपको। बहुत ज़्यादा भारी आवाज़ रहेगी तो दर्द होता है कान में, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है लेकिन बाद में परेशान हो जाता है आदमी, लेकिन ये आवाज़ सूदिंग आवाज़ बोलते हैं ना जिसको। जंगल है, आधी रात है, आधी रात नहीं आधा दिन है, लगने लगा है डर, डर तो नहीं लग रहा लेकिन हाँ एक्साइटमेंट है। दुनिया को भूल जाऊँ, दुनिया को भूल जाऊँ, हाँ दुनिया को भूल जाऊँ, ऐसी बात तो हो रही है बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ नेचर, कुछ ऐसी बात कर तो बात तो हो रही है कुछ ऐसी, समझ गए आप। अभी ऑफ रोड शुरू हो गया, थोड़ा सा संभल संभल के जाना पड़ेगा। देखिए अभी थोड़ा सा एंडिंग करूँगा, थर्ड गियर पे रखी है बाइक, अरे बाप रे बहुत ही ज़्यादा, मतलब वाटर क्रॉसिंग थी, हाँ ब्रेक लगाना पड़ेगा, सैंडिंग करते करते ब्रेक लगा रहा हूँ, अभी नीचे पहुँच गया हूँ। शायद इस रोड पे मैं रुक गया था और यहाँ से ऊपर नहीं जाना है दोस्तों, यहाँ से नीचे जाना है, इतना ज़्यादा ऑफ रोड था कि पाइप नीचे चला गया, अभी ठीक है ना, तो ये गलती नहीं करेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे नीचे जाएंगे, वहाँ से सेंडिंग करते आया था मैं। बाय द वे कमेंट करके बता देना ये एंगल आपको कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं बता देना आप, ठीक है। रास्ता अभी भी ख़राब है, गियर ब्रेकिंग की बात ही छोड़ो, क्लच दबा के ब्रेक लगाना पड़ रहा है क्योंकि गियर ब्रेकिंग किया तो गियर पे ज़्यादा प्रेशर आएगा। यहाँ पे रुक के आपको दिखाता हूँ यहाँ के मज़े, ये देखिए दिख रहा है क्या ही खूबसूरत है। सैडलिंग करके हालत ख़राब हो गई, मज़ा आ गया ना दोस्तों, तो चलिए चलते हैं। बैटरी का टेंशन नहीं है मेरे को, और एक तीसरी बैटरी है मेरे पास, अरे बाप रे बहुत ही खतरनाक रास्ता है ये तो, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वाह खतरनाक का बगर, खतरनाक रास्ते का अब्बा है ये तो, क्योंकि रास्ता भी मतलब ओहो, मतलब बोलते हैं ना ऑफ रोडिंग वाला रास्ता बोलते हैं ना जिसको, वो वाला है और ऊपर से एटलीस्ट 50 डिग्री का स्लाइड है इसमें, कितने डिग्री का 50 डिग्री का एटलीस्ट, तो थोड़ा भी ब्रेक छूट गया तो एकदम गाड़ी एकदम जूम करके निकल जाएगी, तो सामने कुछ देखेगी नहीं, फिर इसका स्टेबलाइजेशन तो ऑन है दोस्तों, लेकिन आपको समझ में आएगा जब आप देखेंगे इसके वाइब्रेशन और इसके वाइब्रेशन, तभी आपके आपको समझ में आएगा कि कितना ऑफ रोड है यहाँ पे, ऑफ रोड या ऑफ रोड है। थोड़े आगे जाके अभी रास्ता अच्छा लगेगा,
ये ब्रिज के बाद देखते रहना आप, ये वाला ब्रिज, हाँ ये ब्रिज है ना, ये ब्रिज के बाद रास्ता एकदम मस्त लगेगा। अभी अच्छा है रास्ता, लेकिन अच्छा रास्ता हो के भी हम 50 के ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि रास्ता बहुत डेंजरस है, बीच में ग्रेवल्स आते हैं कॉर्नर पे और गाड़ियाँ भी आती हैं विदाउट हॉर्न, तो हर कॉर्नर पे मैं ब्रेक लगा के स्पीड बहुत कम कर लेता हूँ। क्या सीनरी है दोस्तों, सही में ये वाटर क्रॉसिंग, शाबाश। ये देखिए दोस्तों, ये जो पैच है देखिए कैसा है, पूरा अंधेरा है यहाँ पे, तो क्या कहते हो, दिल तो एकदम प्रसन्न हो गया है मेरा, प्रसन्न बोलते हैं ना, हैप्पी हैप्पी वाला दिल हो गया। ये देखिए इधर आपके लिए, ये पे मैंने फ़ोटो निकाला है, वैसे आपको दिखा दूंगा, सामने रास्ता क्लियर है दोस्तों, तो थोड़ा सा स्पीड ले लेता हूँ। कॉर्नर आ गया, 50 के ऊपर तो जा ही नहीं सकते और जाना भी नहीं चाहिए। वो इच्छी बुट को यहाँ पे ला के बोलना चाहिए, यहाँ पे ड्राइविंग कर मज़ा आएगा उसको भी। इची बुट्स पता है आपको, मोटो व्लॉगिंग में एक नंबर है वो, अच्छी व्लॉगिंग करती है। लेकिन बारिश आ गई, ओह ये बारिश आँखों पे पानी गिरता है ना, उसकी वजह से थोड़ी तकलीफ होती है। वाह, लाइट चालू है क्या, देख रहा था क्योंकि इसी समय लाइट का यूज़ होता है, समझ गए ना, सामने से गाड़ी आती है तो देखती है कि लाइट है कि नहीं, तो गाड़ी से ध्यान आकर्षित हो जाता है और फिर वो अगर ड्राइवर सो भी रहा है तो समझ में उसको समझ में आता है कि भाई मेरे को कुछ एक्शन लेनी है। तो मेरे जो लाइट लगाई है, ऑक्सिलरी लाइट बोलते हैं ना उसको, तो उसमें येलो लाइट का भी प्रावधान है और वाइट लाइट का भी प्रावधान है, लेकिन मैं ज़्यादातर येलो लाइट लगाता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देती दूसरों को। वाइट लाइट वो डिप अपर मारती है, येलो जो है वो डिपर मारती है, ऐसा है, तो मैं ज़्यादातर येलो लाइट लगा के छोड़ देता हूँ ऐसे एनवायरनमेंट में, क्योंकि ऐसे एनवायरनमेंट में क्या होता है दोस्तों कि लोगों का ध्यान ये जो सीनरी है ना उसकी तरफ जाता है और सामने रास्ते पे नहीं रहता है, तो उनकी जगह हमको ध्यान देना पड़ता है कि भाई ध्यान दे, मैं लाइट लगा रहा हूँ और मैं हॉर्न भी मार रहा हूँ ऐसा करके। बारिश ज़रा ज़ोरदार शुरू हो रही है अभी, और बहुत ज़्यादा ज़ोरदार हो गई तो फिर वाइज़र लगाना पड़ेगा मेरे को। अभी वाइज़र लगाना पड़ेगा दोस्तों, देखते हैं होता है कि नहीं। ठीक है, वाइज़र लगा दिया, हाँ दिख रहा है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बारिश होगी ना तो हेलमेट पे पानी ज़्यादा रुकता नहीं है, स्पीड होगा तो भी नहीं रुकता है, लेकिन यहाँ पे 45-50 से ज़्यादा स्पीड ले नहीं सकते अपन। और मैंने पानी नहीं रुकने के लिए भी एक फिल्म लगा रखी है हेलमेट पे, तो दैट हेल्प्स एक्चुअली। देखो सामने से गाड़ी आ गई। और ऐसा कैमरा लगाने से एक फ़ायदा होता है दोस्तों कि लेंस पे पानी नहीं गिरता ज़्यादातर, मैंने देखा है। तो आप लोगों में से अगर कोई व्लॉग करता होगा तो ऐसा सेटअप करके देखिए आप, बारिश में लेंस पे पानी नहीं गिरता ज़्यादा, अगर सामने रखोगे ना तो ऐसा जैसे हेलमेट में अभी गिर रहा है ना वैसा लेंस पे पानी गिरता है और पूरा फुटेज ख़राब हो जाता है। फुटेज ख़राब होने से अच्छा क्या है कि वो हो जाता है, मतलब व्यूवर्स को अच्छा सीन नहीं दिखता, लेकिन व्यूवर्स समझ जाते हैं, बहुत समझदार रहते हैं। अरे ये क्या, मैंने हेलमेट का बेल्ट नहीं लगाया लगता है, चलो सेफ्टी इज़ फर्स्ट, हेलमेट का बेल्ट लगा देते हैं फिर, भूल गया शायद मैं, थोड़ा अच्छे से रोड देख के लगा देता हूँ। यहाँ पे रोड बहुत छोटा है ना, रुक नहीं सकते यहाँ पे कहीं, तो साइड में लगा देता हूँ, हाँ यहाँ पे लगा सकते हैं। हज़ार इंडिकेटर ऑन, देखो बेल्ट नहीं लगाया था मैंने, फटाफट बेल्ट लगा देता हूँ कि ये बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी रहता है, तो सेफ्टी के बारे में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ठीक है, लग गया बेल्ट, बेल्ट लगा दिया दोस्तों, अभी चलते हैं आराम से।
और गाड़ी पे थोड़ा ऐसे ऐसे मूव करना चाहिए, हमेशा ऐसे नहीं रहना चाहिए। उससे क्या होता है कि पीठ दर्द कर सकती है या तो फिर आपका कंधा दर्द कर सकता है ना। तो थोड़ा सा ऐसे मोड़ते हैं ना, तो ऐसे मोड़ना चाहिए थोड़ा, तो मूवमेंट हो जाती है, फ्रीज नहीं होते मसल्स। देखिए क्या मस्त है, अच्छा किया है नेचुरल वे में। बारिश आती है जाती है, अभी एक दिखाता हूँ आपको। ये देखिए आप देख रहे क्या ये खूबसूरत है। जाते वक्त मैं यहाँ पे रुका था, 24/7 चल रहा है, क्या कुदरत है। अब मैं जो जा रहा हूँ ना, जब आते वक्त पूछते पूछते आया था वही याद रख के जाने की कोशिश कर रहा हूँ। होपफुली आई विल बी नॉट गेट ऑन रॉन्ग रोड। ओह बारिश ज़्यादा ही होगी बारिश अब तो। इट वॉज सो क्लोज, ये गाँव हो गया है दोस्तों। यहाँ पे एक बार मैंने पूछा था और इधर से आया था मैं, तो उधर से वापस जा रहा हूँ। बारिश फिर से बंद होगी शायद से, नहीं चालू है। अभी यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मेरे, यहाँ पे मैप लगता है क्या, देखता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैप तो अभी भी नहीं लग रहा है। तो मैंने एक भाई को पूछा तो उसने बोला कि यही रास्ता है, तो यहीं से जा रहे हैं। दोस्तों इतनी बारिश हो रही है ना कि अगर मैं सामने कैमरा लगाता था तो आपको कुछ दिखता ही नहीं था। तो आप इधर से व्यू लीजिए, सिर्फ आपके लिए मैंने यहाँ पे कैमरा लगाया है और ये व्यू दे रहा हूँ। बीच में एकदम ज़ोर से होती है बारिश और बीच में रुक जाती है, अभी भी हो रही है भाई। अभी किधर, सारी गाड़ियाँ तो उधर जा रही है, तो मैं भी उधर ही निकल देता हूँ भाई। आगे चल के किसी को पूछते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा भी तो नहीं है, महाराष्ट्र SH 106 लिखा है। अभी उससे क्या पता चलेगा किधर जा रहे, इंटरनेट तो है नहीं यहाँ पे। इधर पूछ लेते हैं भाई, पुणे का रास्ता इधर है, पुणे पुणे पुणे। ओ बाबा अभी गिर जाता था भाई, बहुत हालत ख़राब है अब तो। भाई ने बोला यहाँ से स्ट्रेट जाना है, देखो क्या ऑफ रोडिंग है। अभी गिरता था दोस्तों, अगर गिरता था तो कट नहीं करता था, आपको दिखाता था मैं। अगर कोई हेवी बाइक रहती थी ना तो गिर ही जाती थी। अब बहुत ज़्यादा बारिश है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा, और रास्ता भी कुछ अच्छा नहीं है अभी, लेकिन जैसा है मैं जा रहा हूँ, बस जाते जा रहा हूँ। ये जब झटके लगते हैं ना तो कैमरा नीचे हुए जा रहा है। 45 का स्पीड है दोस्तों, ज़्यादा स्पीड नहीं रख रहा हूँ मैं, जितना विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है अभी। थोड़ा इधर ले लेते हैं तो आपको भी आजू बाजू के नज़ारे दिखेंगे। ऑक्सिलरी लाइट्स होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अगर वो होती है तो उसका इफेक्ट ही कुछ और होता है। हालाँकि कुछ स्टेट्स में ऑक्सिलरी लाइट्स लगाने के लिए मना ही है, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं है। केरला में जाओगे तो यू हैव टू आइदर रिमूव ऑक्सिलरी लाइट्स और यू हैव टू कवर इट, अदरवाइज दे विल फाइन यू। अरे बाप रे, एक मिनट रुक के ना इसको मैं थोड़ा ज़्यादा फिट करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं अभी मिलता है क्या। बारिश है ना, हाथ गीले है तो पकड़ नहीं जमती, तो भी किया मैंने, अभी नहीं हिलेगा ज़्यादा, हिलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं हिलेगा। तभी कैसे एक एक झटके से ही सदा नीचे जा रहा था। वाह दोस्तों देखिए क्या मस्त नज़ारे, ऑफ रोड बहुत रिस्की होते जा रहा है दोस्तों। अभी क्या हुआ कि मैं जा रहा था सीधा सीधा, वहाँ से एक रोड आ गया, वहाँ से एक टू व्हीलर आ रही थी, मेरे लाइट्स चालू थे इसलिए उसने ब्रेक लगाया, लेकिन मेरे को दिख ही नहीं रहा था तो वो रुक गया, इसलिए अच्छा हुआ। मॉनसून का पूरा पूरा आनंद मिल गया है मेरे को तो आज, इस मॉनसून में तो बहुत घूमूंगा। एक है लेकिन, यहाँ पे महाराष्ट्र में घूमने से, अभी इतने हाइट पे गया था मैं, कुछ ऑक्सीजन की कमी नहीं, कुछ नहीं। लद्दाख जाओगे तो थोड़ा हाइट पे जाओगे ना, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी आपको, और फिर बहुत डेंजरस रहता है। लेकिन अभी है ना दोस्तों मैं जिम ज्वाइन कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यू नो राइडिंग के लिए बहुत स्टैमिना की ज़रूरत रहती है। अपने पास है स्टैमिना लेकिन ना उसको और बढ़ाना है, अभी वाला स्टैमिना कुछ काम नहीं आएगा 600-700 किलोमीटर की राइड पे।
हाँ रास्ता अच्छा है तो ठीक है, लेकिन अभी वाला रास्ता अगर होगा तो बाप रे हालत ख़राब हो जाएगी। तो जिम वाले भी शॉट में दिखाऊंगा आपको, जिम में कितनी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, अभी कितना स्टैमिना है और बाद में कितना होगा, ये सब दिखाऊंगा आपको मैं, और क्या क्या एक्सरसाइज कर रहा हूँ। बाय द वे बॉक्सिंग भी करूँगा मैं, क्योंकि बॉक्सिंग करने से क्या है कि शोल्डर्स और भी मजबूत हो जाते हैं और आपका स्टैमिना बढ़ जाएगा। सब कुछ दिखाऊंगा आपको मैं। पहले जाता था जिम को मैं, लेकिन ये कोविड के चक्कर में रुक गया, तभी से चालू ही नहीं किया मैंने। वो जिम भी ना कंस्ट्रक्शन चालू था, अभी जिम ही चेंज कर दी मैंने, मतलब अभी भी एडमिशन लेना है, एक दो दिन में ले लूँगा, 31st से पहले ले लूँगा। 1st August से शुरू कर रहा हूँ एक साल के लिए, उसके बाद देखा जाएगा। बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। हेल्थ में इन्वेस्ट करो, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं मेरे और जितने भी वीडियो देख रहे हैं मेरा, एक रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे कि ये हेल्थ में इन्वेस्ट करना चाहिए। आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि वो जीवन बीमा, पता नहीं क्या क्या बीमा ले लेते हैं और हेल्थ ख़राब कर लेते हैं। इन्वेस्ट करना है करो, मैं ना नहीं बोल रहा, बीमा वगैरह करना है करो, मैं ना नहीं बोल रहा, लेकिन ना इसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्थ ख़राब करते जाओ अपनी और फिर उसके बारे में सोचिए ना। नो, यू हैव टू वर्क ऑन योर हेल्थ एंड देन एनीथिंग एल्स, बीमा बीमा शीमा कुछ भी है। अभी एक जनरेशन से पहले कौन बीमा करवाता था, वो जी नहीं रहे बराबर से, क्या बात कर रहे हो। वो भी इन्वेस्ट करते थे बीमा में तो कुछ ये है वो है, लेकिन क्या है कि वो हेल्थ भी देखते थे, इससे अच्छा लिविंग स्टाइल अलग था। आज क्या है दोस्तों कि आज हमारे पास यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, मोबाइल है, तो मोस्ट ऑफ द अपना समय जो है अपना ये मोबाइल देखने में जाता है, उसके बाद अपना काम थोड़ा बहुत, अगर आईटी में है तो हो गया सत्यानाश, उसका 80% समय लैपटॉप पे जाता है और बचा हुआ 20% मोबाइल पे जाता है। फैमिली को कब समय देता है पता नहीं। तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस, प्लीज़ इन्वेस्ट ऑन हेल्थ, प्लीज़ यू नो, राइडिंग है, कोई भी हॉबी है कर लो, मेरी राइडिंग है, मैं राइडिंग कर रहा हूँ, छोटी छोटी जगह जा रहा हूँ, एकदम बिग बाइक भी नहीं है, अपने लेवल की बाइक है, अच्छा साउंड करती है, कर रहा हूँ, मज़े कर रहा हूँ। मोबाइल तो नहीं देख रहा ना, मतलब मोबाइल देखना मना है ऐसे नहीं बोल रहा, मैं भी देखता हूँ मोबाइल, और समय रहेगा तो मोबाइल देखेंगी। अगर आप हॉबी में इन्वॉल्व हो जाएंगे, जिम कर रहे हैं सपोज़, तो जिम डंबल मारते हुए समय थोड़ी मोबाइल देखेंगे आप, है ना, तो थोड़ा समय अपने हेल्थ के लिए दो, थोड़ा समय अपने फैमिली के लिए दो, थोड़ा समय मोबाइल के लिए भी दो, क्योंकि ज़रूरी है आजकल के ज़माने में, और बाकी का समय अपने काम में, सोने जागने में है, सब चलता रहता है, बाकी के टेंशन तो चलते रहते हैं दोस्तों। आज क्या है, टेंशन होता है 5 पैसे का और हम उसको बना लेते हैं 1 रुपए का, अगर कुछ हॉबी में इन्वेस्ट नहीं कर किया तो, क्योंकि सोचता रहता है आदमी, सोचता रहता है और करता कुछ नहीं है, तो फिर वो टेंशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, गो अहेड एंड इन्वेस्ट इन योर हॉबीज़, जिम है, बाइक है, साइकिलिंग है, कैंपिंग है, कुकिंग है, कुछ भी कर लो, लेकिन कर लो, कुछ भी नहीं है तो भी ठीक है भाई, कुछ हॉबी बना लो अपनी। बाकी आपको मज़े तो आ रहे होंगे ये सब के, मेरे को तो बहुत आ रहे हैं, ये नेचुरल पानी गिर रहा है मेरे मुंह पे, मज़ा आ रहा है तो, और ऊपर से ड्राइव कर रहा हूँ तो थ्रिल ही अलग है। चलो अभी एक ही रोड है, अभी आगे जाके मिलते हैं, ठीक है, पीछे एक गाड़ी है, आगे जाना चाहती है शायद गाड़ी, जाने दूंगा मैं अगर आ गई जल्दी नज़दीक, तो अरे क्या बम था यार, जाने दिया उसको, वो भी बेचारा देख रहा था कि जाने देगा कि नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, अपना आराम से जाओ, सब लोग आराम से रहो, यही चाहते हैं। वैसे चला रहे हैं लोग, ये कैमरा वैसे मैं और दूर लेके जा सकता हूँ और थोड़ा अच्छा व्यू आएगा आपको, लेकिन रास्ता थोड़ा अच्छा नहीं है ना, तो इसलिए ये देखो यहाँ पे एकदम आपा MRF के टायर्स लेकिन ज़बरदस्त रहते हैं भाई। थोड़ा सा रोड अच्छा लगेगा ना तो
थोड़ा सा दूर से भी थोड़ा सा दूर लेके जाऊंगा कैमरे को तो और भी अच्छा व्यू आएगा आपको। सामने वाली कार एकदम ही स्लो जा रही है भाई, इसको ओवरटेक करना पड़ेगा। कर दिया ओवरटेक उसको। तो भाई लोग यहाँ पे थोड़ा रुका हुआ था मैं और यहाँ पे देखा कि आईफोन में रेंज क्यों नहीं आ रही है, तो देखा पता चला कि आईफोन में पानी घुस गया था। वैसे तो आईफोन 13 वाटरप्रूफ है लेकिन क्या हो गया पता नहीं, मतलब ये सिम, फिर मेरे पास दूसरा मोबाइल था उसमें मैंने सिम डाल के चेक किया तो उसमें तो चल रहा है और इसमें नहीं चल रहा है। इसका मतलब आईफोन में कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन आई विल सॉर्ट इट आउट, कोई बड़ी बात नहीं है, उसको थोड़ा सुखाना पड़ेगा, वो देख लेंगे बाद में। लेकिन अभी हम अपने घर के थोड़ा नज़दीक आ गए हैं तो बैटरी भी ख़त्म होते जा रही है और वीडियो भी बहुत बड़ा हो गया है, तो इसी बात पे लेता हूँ अलविदा। प्लीज़ टेक केयर। आपको होपफुली ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और थोड़ा भी अच्छा लगा होगा दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आपकी हेल्प बहुत इम्पोर्टेंस रखती है मेरे लिए दोस्तों। मैं अपनी हॉबी के लिए भी घूमता हूँ और आपके लिए भी घूमता हूँ, तो ये एक्सपीरियंस अगर अच्छा लगा होगा तो क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Yeah.